मांडिया एक पुष्टि शस्य बा न्यूट्री सीरियल मांडिया मांडिया रे प्रचुर मात्रा रे कैल्शियम मैग्नीशियम मैंगनीज जिंक आयरन थिबारु एहा आम स्वास्थ्य पय बहुत हितकर आजिकालि मांडिया को नै आमे बिस्किट केक कुकीज चॉकलेट्स बरा ए सब जिनस आमे आजिकालि करि पारुचे मांडिया लड्डू आजिकालि आंगनवाड़ी रे भी दबा स्टार्ट हेलाणी किंतु मांडिया चास रे अधिक अमल आजिकालि होउनी तो से मांडिया चासर अमल बढ़ायापाई आज आसत जानवा गोटे नुआ प्रणाली ताना होची SMI बा सिस्टम ऑफ मिलेट इंटेंसिफिकेशन ऑफ रागी SMI मेथड रे आमर जो बिहन दरकार पड़े सेटा 20-25% कम दरकार पड़े तो आमर बिहन खर्चटा कमिला ता सहित याको पानी भी बहुत कम दरकार पड़े थर्ड जिनस होची याथिरे केमिकल जो आमे सार केमिकल सार होची कि पेस्टिसाइड होची ता प्रयोग भी कम हुए आउ खत कि भर्मी कंपोस्ट ए सब याथिरे आमे अधिक दो ता द्वारा कौन हुए आम माटीर फर्टिलिटी बा उर्वरता बढ़ी थाए प्रथमे आमको गोटे नर्सरी बेड टे प्रिपेयर करिया को हब जेउठी कि आमे चारा को बनेबा चारा नै कि तापर मेन फील्ड रे रोपण करा हब तो गोटे नर्सरी बेड जदि 40 square meter रे आमे गोटे बेड नौचे सेटा रेज्ड बेड सिस्टम रे करा हब ता पई आमको मात्र 1.25 kg बिहन दरकार पड़े आ एहार को सोक करी कि पानी रे ओवरनाइट सोक करी सरला परे भिजे सरला परे ताटू गजा जते बाहरी जाए सेते बळ को आमे जते माटी रे ताको दे दबा ता उपरे गोटे गोबर किंबा कंपोस्ट गोटे लेयर टे दे दबा सो दैट आमर जो गजाटा जो बहुत जल्दी तार पत्र बाहर स्टार्ट हो तो जिते बड़े 10-15 दिन हो जाते से गजाटर दुईटी पत्र बाहरी जाते आम जाणी कि यार रोपण समय आसीगला तो मात्र 10-15 दिन भितर यू आमको रोईवाक पड़े आ रोईवार गोटे स्पेशलिटी भी अच्छे कि गोटे गच्छ बुदा पिछा गोटे गच्छ ही आम रो जमी दुईटा तीन टा गच्छ आम ट्रेडिशनल मेथड रोई दौले या थे से गोटे गच्छ रुआ हम जेहेतु गोटे गच्छ रुआ हो तार स्पेसिंग भी आम टे अधिक रोचे गोटे धाड़ी रु आउ गोटे धाड़ी 10 inch आ गोटे गच्छू आउ गोटे गच्छर व्यवधान भी आम 10 inch रखुचे यह सहित गोटे इम्पोर्टेन्ट जिनस आमको सब माइंड रखा को हुए कि जितेबले आम तली गोटे तली को आम गोटे बुदार जिते बड़े लगोचे आम देखीचे कि जो लोक मैंने लगो था तलीटा को एमती तेढ़ा तेढ़ा करके लगे दिखते तेढ़ा लगे आमको 7 दिन ये तली को लगे से सीधा हाँपाई से जो गोटे तली गोटे बुदा पिछा आम लगोचे एकदम स्ट्रेट आम लगे यार अमल अधिका हो था जेहेतु आम कहले कि आम SMI मेथड रे आम केमिकल खर्चटा कम होतीपाई आम या गोटे नुआ जिनसटे जैविक जिनसटे यूज करूँ से जीवामृत बोथ नर्सरी बेड आउ मेन फील्ड रे रोई सारला परे ए जीवामृत को रेगुलरली आमे जदि याकु अप्लाई करूचे ताहले ये आमको बहुत भल यील्ड दे थाई पारे काहे कि ये नॉट ओनली आम प्लांट ग्रोथ को इंक्रीज करे या सहित सॉइल रे बा माटी रे थिबा जो जीवाणु अछंती पॉजिटिव जीवाणु अछंती से मानको वंश विस्तार करिवारे भी ये सहायक हुए यह सहित जदि आमे वर्मी कंपोस्ट को गोटे खत हिसाब रे ताथिरे अप्लाई करूचे आम फील्ड रे या द्वारा जो हार्मोन कंटेंट अच्छी वर्मी कंपोस्ट रे बा अर्थवर्म रो जो हार्मोनटा आसी वर्मी कंपोस्ट रे ये आम मांडिया रो ग्रोथ को बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट दे थाए ता सहित जितेबले रोग पोक नियंत्रण कथा आसुचे सेतेबले आमे नीम ऑयल अप्लाई करिबाटा एडवाइजेबल अच्छी आउ एटा नीम ऑयल अप्लाई करिले आमर पेस्ट लोडटा बहुत मात्रा रे कमी थाए ताले आमे जानिले कि जितेबले आमे SMI मेथड रे करूचे आमको 10-12 quintal एकर प्रति आमको मांडिया अमल करि पारुचे ता माने जोटा आमे ट्रेडिशनल मेथड रे मात्र 3-5 quintal एकर प्रति आमको मिलूला सेटा एबे स्ट्रेट 10-12 quintal आमको मिल पारुचे एकर प्रति या सहित जेहेतु आमको बिहन कम दरकार पड़ला पानी खर्च कम है से आमर जो एक्सपेंडिचर टा अच्छे से 25-30% कमी पारुचे